मध्य प्रदेश के रीवा में तराई अंचल में झोला छाप डॉक्टरों का कहर, जिसके जिम्मेदार अनजान बनते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रही फर्जी स्माइल डेंटल केयर क्लिनिक डॉक्टर विष्णु कुमार सोनी डेंटल सर्जन का बोर्ड लगाकर सिवेन सिंह कर रहा है मरीजों का इलाज। एक और जहां रीवा जिले के तराई अंचल में बीते काफी समय से झोला छाप डॉक्टरों का आतंक देखने को मिल रहा है, वहीं स्वास्थ्य महकमा मूक दर्शक बना हुआ है। इन दिनों जवा बाजार में डॉक्टर सिवेन सिंह नामक व्यक्ति जवा हॉस्पिटल के पीछे अपनी क्लिनिक संचालित कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर उतारू है। बता दें कि ये जनाब बिना किसी लाइसेंस के दवाओं का भंडारण भी करते हैं। इस झोला छाप डॉक्टर द्वारा न केवल बिना पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय किया जा रहा है, बल्कि बिना ड्रग लाइसेंस के दवाओं का भंडारण व विक्रय किया जा रहा है, जो पूर्णतः अवैध कार्य है। संबंधित मामले में आश्चर्य की बात यह है कि यह फर्जी क्लिनिक संचालक जवा थाना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाक के नीचे धड़ल्ले से इलाज कर रहा है, जहां पर आए दिन अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो झोला छाप व्यक्ति शिवेंद्र सिंह अपनी फर्जी क्लिनिक के जरिए लोगों के बीच में यह बोलकर धौंस जमाता रहता है कि हम स्वास्थ्य विभाग में मासिक चढ़ावा देकर आते हैं, इसलिए हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो जाँच का विषय है, लेकिन जवा थाना के सामने स्माइल केयर डेंटल के नाम यह व्यक्ति बड़े धड़ल्ले के साथ क्लिनिक चला रहा है, जिसमें लगे बोर्ड में बकायदा डॉक्टर विष्णु कुमार सोनी डेंटल सर्जन का रजिस्ट्रेशन नंबर A7086 लिखा हुआ है और अपना नाम नीचे लिख कर रखा हुआ है। इस संबंध में जबा BMO NK पांडे ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ सर, आपका एसएम भारत में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर मैं आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि इस समय सर जो क्लिनिक जो संचालक है फर्जी तरीके से क्लिनिक चला रहे हैं, जैसा कि सर एक शिवेंद्र सिंह नाम के और स्माइल डेंटल क्लिनिक है, स्माइल डेंटल क्लिनिक जो कि दांत का सेक्टिव पार्ट होता है, वो बड़े धड़ल्ले के साथ यहाँ बगल में चला रहे हैं सर। और जितने भी क्लिनिक संचालक हैं जो फर्जी तरीके से चला रहे हैं, उनके पास जब हम जाते हैं उनसे पूछते हैं, उनका कहना ये होता है कि हम BMO से बात किए हैं, तो इसमें सर क्या आप उनको संरक्षण दे रखे हैं? इसी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे यहाँ से होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं तो सर जैसे कि पूर्व में कई बार पेपर में प्रकाशन किया गया, न्यूज चैनलों में चलाया गया, लेकिन सर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई आप तक नहीं हुई, क्यों? ये कार्रवाई होती रहती है, दो तीन महीने कहाँ कार्रवाई हुई सर? रामबाग में तो सर आप एकदम नाक के नीचे सर ये चला रहे हैं सब क्लिनिक के साथ, आप कभी तंग करवाने के लिए नहीं जाते हैं? आपने कैसे तो सेवन को आपने सूचित किया कि हमारे यहाँ कई तरीके से क्लिनिक चल रहे हैं? अच्छा, कई बार तो ऐसा भी हुआ है सर, जैसे मान लीजिए ज्यादा तो यहाँ पे जो डॉक्टर है यूपी से आकर के यहाँ आज जाना बता रहे हैं, यूपी से आए और अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ लेकर के आ रहे हैं और आकर के यहाँ धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहे हैं और हर मरीज का इलाज वो अपने यहाँ करने का दावा करते हैं, तो सर यदि इन पर कार्रवाई नहीं होगी और इसी तरीके से यदि आप कहेंगे हम वहाँ पे CMO को सूचित किए हैं, वहाँ से टीम आएगी तब गठित होगी तब हम कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत तेज़ी से और तेज़ी से बढ़ेंगे, तो सर इन पर कार्रवाई कब होगी आपके तरफ से, क्या आश्वासन हम समझ रहे हैं? इसका डेट तो कुछ भी बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देंगे यहाँ हम लोग जो फर्जी तरीके से क्लिनिक चला रहे हैं उनके लिए क्या सजा, क्या प्रावधान है आपके हिसाब से? क्या फर्जी क्लिनिक चलाते हैं तो उसके हिसाब से मिलेगा, उनके क्लिनिक हम लोग किसी को जाएंगे तो बहुत धन्यवाद। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज, तब तक के लिए धन्यवाद।